अच्छा, CSS के लिए भी आप फिलहाल तो अभी हम HTML में काम कर रहे हैं, तो HTML के ऊपर ही इसकी कोडिंग करनी है। अगर PHP आ जाएगा तो PHP पे करना है, ठीक है। अच्छा, CSS का एक फोल्डर बना लेता हूँ। HTML फाइल में काम करना है। CSS का स्केडिंग स्टाइल शीट्स होती है, असल में काम हम CSS वही करता है जो HTML कर रहा है, ठीक है। सिर्फ अब हमने करना क्या है कि सारा काम हमने जितना भी डाटा है वो सारा HTML में देते हैं, उस डाटा की जो फॉर्मेटिंग करनी होती है, डेकोरेशन करनी होती है, वो CSS से करते हैं, ठीक है ना। लाइक आपने HTML में जाके हम कोई टेक्स्ट देते हैं, उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं, फॉन्ट कलर चेंज करते हैं, साइज चेंज करते हैं, अलाइनमेंट चेंज करते हैं, अब ये सारी चीज़ें हमने करनी है CSS के थ्रू, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग के लिए CSS यूज़ करते हैं और CSS वाइज ही काम करना चाहिए। CSS बेसिकली स्टैंडर्ड है, ठीक है। HTML बेस्ड वेबसाइट नहीं होनी चाहिए, CSS बेस्ड होनी चाहिए। अब CSS दो तरह की होती है, CSS को दो तरीकों से यूज़ किया जा सकता है। एक होती है इंटरनल CSS और एक होती है एक्सटर्नल CSS। फिलहाल अभी हम इंटरनल कर रहे हैं, एक्सटर्नल पर अगले लेक्चर से मैं बताऊँगा। इंटरनल का मतलब है कि जिस पेज के ऊपर आपका वेब पेज है जो बना हुआ HTML की जो फाइल है, उसी फाइल के ऊपर आप उसकी कोडिंग करें ना CSS की, तो वो इंटरनल हो जाती है। अगर आप CSS की फाइल ही अलग बनाओ, ठीक है, और उसके ऊपर आप कोड करके उसको यूज़ करें तो वो एक्सटर्नल होती है। इंटरनल का मतलब ये हो जाता है कि आप जिस फाइल पर यूज़ कर रहे हैं वो उस फाइल के लिए फिक्स्ड है, वो किसी और फाइल पर उसका इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन एक्सटर्नल का ये फ़ायदा होता है कि आप एक्सटर्नल CSS बना लें, जितने मर्जी पेजेस बना लें, एक एक्सटर्नल CSS उसको आप कैच कर सकते हैं। लेकिन इन लाइन भी तो होती है एक, कि वो उसी जो हम लाइन के ऊपर इफेक्ट करेगा CSS का। लेकिन इन लाइन का भी फ़ायदा नहीं है ना, असल में CSS का फ़ायदा ये है जो हमने इससे बेनिफिट उठाना है वो ये है कि हम ग्लोबल वर्किंग करें। ग्लोबल जब वर्किंग करते हैं तो फिर आप एक ही CSS से पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हो। इन लाइन का मतलब वही है, मैनुअल काम करना, तो मैनुअल तो HTML से भी हो जाता है, इसलिए फिर वो इन लाइन यूज़ नहीं करते, एक्सटर्नल बेस्ट है, ठीक है। लेकिन कोड एक ही है तीनों का। पहले मैं इंटरनल कर रहा हूँ। इंटरनल करने के लिए आपने उसकी कोडिंग जो करनी है हेड के टैग में करनी है। हेड का टैग जो स्टार्ट हो रहा है, हेड का टैग जो एंड हो रहा है, इसके दरमियान में आपने इंटरनल CSS करना है। स्टाइल, इसके टैग का नाम है स्टाइल, स्टाइल को क्लोज करें, टाइप टेक्स्ट स्लैश CSS। अब जितना भी हमने CSS का कोड करना है इसके अंदर करना है, ठीक है। अच्छा, अब CSS का सिंटैक्स क्या है? सिलेक्टर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ये ब्लॉक है कर्ली ब्रैकेट्स का, जितनी भी स्टेटमेंट्स देनी है इस ब्लॉक में देनी है, और इस ब्लॉक में आपने बताना है प्रॉपर्टीज कॉलन साइन वैल्यू सेमी कॉलन। ये पूरे CSS का सिंटैक्स है कि आपने एक सिलेक्टर देना है, उस सिलेक्टर के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है वो इस ब्लॉक में देनी है, और उस प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू देनी है। प्रॉपर्टीज़ आपकी मल्टीपल भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब सिलेक्टर क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, वैल्यू क्या है? जैसे हम HTML में जब हम काम करते हैं, लेट से मैंने HTML में बॉडी का एक बैकग्राउंड कलर देना है, तो हम क्या करते थे कि HTML के बॉडी के टैग में जाके हम इधर दे देते थे BG कलर और उसका कलर कोई, ठीक है। अब गौर करो तो इस लाइन में तीन चीज़ें हैं, एक है टैग का नाम, एक उसकी प्रॉपर्टी, और एक उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है, ठीक है। तो अगर आपने यही काम हमने HTML से अपनी करना है, CSS से करना है, अगर यही काम मैंने CSS से करना है, तो जिसके ऊपर आपने प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है वो सिलेक्टर बन जाएगा। यानी कि ये हमारा सिलेक्टर है बॉडी, ये उसकी प्रॉपर्टी है और ये वैल्यू है। तो यहाँ पे भी देख लो ना, सिलेक्टर ही चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए और वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ये काम करने के बजाय, आपने हमारा सिलेक्टर फिर क्या बनेगा, उस टैग का नाम जिसके ऊपर अप्लाई करना है। Yes, जो टैग आपने, लेकिन नीचे वो नाम टैग होना ज़रूरी है, अदरवाइज वो कॉल किसको फॉलो करेगा, ठीक है ना। बॉडी के टैग का नाम, अब जो भी उसकी प्रॉपर्टी देनी है, यहाँ पे प्रॉपर्टी मैंने बैकग्राउंड कलर देना है और उसका कलर जो भी बताना है। अब इसमें गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे हमें HTML में तो हमने पढ़ा ना कि BG कलर बोलते हैं बैकग्राउंड कलर को, इसमें बैकग्राउंड कलर को BG कलर नहीं बोलते, बैकग्राउंड कलर ही है उसका नाम। अब मुझे नामों का नहीं पता, या स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो आपने लिखना नहीं है, आप एंटर करोगे उसकी प्रॉपर्टीज़ दिखा देगा सारी, ठीक है।
सिलेक्शन सिर्फ कर लिए, बैकग्राउंड कलर चाहिए, देखो कॉलम साइन आ गया उसके आगे, और जो भी कलर अप्लाई करना है वो कलर सेलेक्ट कर लो। तो अब गौर करो, सेलेक्टर प्रॉपर्टी कॉलन साइन के बाद वैल्यू और सेमी कॉलन के बाद एंड। सेमी कॉलन का मतलब सेमी कॉलन लाजमी लगाना है एंड पे, ताकि पता चले कि ये लाइन ख़त्म हो गई है, टर्मिनेट हो गई है, अगली लाइन के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अगर मैंने कोई और प्रॉपर्टी इसकी देनी है तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू वैल्यू साथ दे देते हैं। फिलहाल मैं इसको ब्रैकेट्स भी लगी थी उसके अंदर, नहीं उस पर प्रॉपर्टीज अब देनी है। अब सिर्फ मैं बताता हूँ, देखो मैंने अब जो सी एस एस से दिया कलर तो आ गया, ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगेगी, ब्रैकेट तो हमारे ब्लॉक लग गया ना एक। अब इस ब्लॉक में जितनी प्रॉपर्टीज देनी है देते जाओ, वो इस बॉडी पे अप्लाई होगी। अगर आपने किसी नए टैग पे करनी है तो उसका नया फिर सिलेक्टर बनेगा और नई उसकी प्रॉपर्टीज होगी। ठीक हो गया? अच्छा, इसी तरह आपने लाइक मैं एग्जांपल एक और दे रहा हूँ, एक और ऑप्शन है इसमें बैकग्राउंड के हिसाब से ही। मैं इधर एक टेबल बना लेता हूँ, अभी तो हमने क्लास नहीं बनाई ना, चलो मैं हम जाकर जाकर बताता हूँ क्या। अच्छा ये क्लियर हो गया? अच्छा, इसी तरह अगर आपने, मैंने बैकग्राउंड कलर नहीं देना, मैंने बैकग्राउंड पे इमेज लगाना है कोई, ठीक है, आप पहले देखो कि आपके फोल्डर में वो इमेज है, वही बात, क्योंकि काम तो एक ही फोल्डर में करना है ना। अगर फोल्डर में इमेज नहीं है तो इमेज आप पहले कॉपी कर लो कोई भी, जैसे ये इमेज है मेरे पास, मैं इस इमेज को अपने फोल्डर में कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ मैं ये बैकग्राउंड कलर के बजाय इमेज दूँ, तो बैकग्राउंड कलर पर रिमार्क्स लगाने हैं, कमेंट्स लगाने हैं, तो आपने स्लैश स्टैरिक से स्टार्ट करना है और स्टैरिक स्लैश से क्लोज करना है। इसके अंदर जो भी लाइन होगी वो कमेंट्स हो गए, याद है मैंने एचटीएमएल में कमेंट्स बताए थे, ये कमेंट हो गई है, ठीक है ना। अब ये हाँ वो एक्सक्लेमेशन साइन से थी, ये स्लैश स्टैरिक से स्टार्ट होगा, स्टैरिक स्लैश से बंद होगा, इसके दरमियान में जितनी भी लाइनें आएंगी सारी वो हाइड हो जाएंगी। हाँ, अब मैंने बैकग्राउंड इमेज देना है, तो बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट करो, ब्राउज करो और अपने फोल्डर में जाके देखो। अब इसमें हम लिख कुछ नहीं रहे, सिर्फ सिलेक्शन कर रहे हैं। अब जाके आउटपुट बैकग्राउंड पे, वो इमेज का साइज छोटा था ना, तो वो उतनी दफ़ा वो इमेज रिपीट हो गया, बैकग्राउंड पे आ गया, ठीक है। अब मेरी रिक्वायरमेंट है मुझे इमेज एक दफ़ा चाहिए, दस इतनी दफ़ा नहीं चाहिए, या मुझे चाहिए रिपीट हो, हॉरिजॉन्टली रिपीट हो, वर्टिकली रिपीट ना हो, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है, इसी की दूसरी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट, रिपीट में आके नो रिपीट का मतलब है एक दफ़ा ही आएगा, एक्स का मतलब है हॉरिजॉन्टल रिपीट होगा, वाई का मतलब है वर्टिकल रिपीट होगा। लाइक इसको एक्स करता हूँ, रिपीट एक्स, अब ये मेरा इमेज हॉरिजॉन्टली रिपीट होगा, वर्टिकली रिपीट नहीं होगा। अब ये कहाँ पे यूज़ हो सकता है, अक्सर वेबसाइट्स में हम देखते हैं ना ग्रेडियंट कलर के बैकग्राउंड्स लगे होते हैं, वो उधर ये वाली प्रॉपर्टी बड़ी यूज़ होती है। जैसे मैं एक इधर बैकग्राउंड बनाता हूँ, इससे हमारी जो सी फाइल होगी उसका साइज़ नहीं बढ़ेगा, वो वही बताने लगा, थोड़ा सा साइज तो बढ़ेगा लेकिन आप इमेज उसके हिसाब से लगाओ कि ज़्यादा ना फील हो। जैसे मैं यहाँ पे ग्रेडियंट इमेज लगा लेता हूँ, ठीक है, ये इमेज आहिस्ता आहिस्ता ये जो ऑरेंज कलर है वाइट होता जा रहा है, या वाइट के अंदर मर्ज होता जा रहा है। मैंने ये लगाना है टॉप पे सिर्फ लगाना है, ठीक है। तो मैं क्या कर, इतना बड़ा जो मैं इमेज सारा लगाऊंगा, मैं इसको ट्रिम कर लेता हूँ, रिपीट कराने का यही तो फायदा है। बड़ा बारीक सा मैंने इमेज लिया और नीचे भी मुझे इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि नीचे तो है ही सारा वाइट। इतना चाहिए बस, जिसके अंदर वाइट भी आ गया वो भी आ गया, ठीक है, बारीक साइज भी मेरे पास आ गया। अब ये तो छोटा सा इमेज है, बहुत छोटा साइज है, ठीक है, इसको हम लगा लेते हैं सेव फॉर वेब, इमेज के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। सर सेव फॉर वेब और सेव एज जेपीजी करते हैं तो दोनों में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, साइज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है।
सेव फॉर वेब इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो होती है ना ऑप्शन आती है ऑप्शन का, यहाँ पे आती है वो इसमें से माइनस कर देता है, ठीक है, तो आउटपुट सेम होती है बल्कि ज़्यादा ज़्यादा बेटर होती है, इसीलिए इसको सेव फॉर वेब बोलते हैं। लाइट वेट होती है ना, इस पर साइज आप अपनी मर्जी से मेंशन कर सकते हैं, वो हैवी बनाता है बहुत ज़्यादा। उसका नाम मिले चलो स्ट्रिप, इसको मैं एक नाम दे रहा हूँ। अच्छा अब ये वाली स्ट्रिप मैंने लगानी है, मैं यहाँ पर जाता हूँ, बैकग्राउंड इमेज स्ट्रिप, ठीक है ये मैंने लगा दी, आउटपुट जाकर लग गई, रिपीट हो रही है खुद ही, हालांकि मैंने बारीक सी वो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल भी रिपीट होगी वर्टिकल भी रिपीट होगी, मैं इसे कह देता हूँ कि रिपीट हो लेकिन एक्स एक्सिस में हो वाई एक्सिस में ना हो। बैकग्राउंड बन गया, अब वो छोटी सी एक स्ट्रिप भी लगाई थी ना उसे रिपीट किया, क्योंकि सेम कलर था सेम सीक्वेंस था इसलिए वो बैकग्राउंड टाइप चीज़ बन गई, ठीक है। अच्छा ये क्लियर है, इस पर कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अच्छा अब देखो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ, कोई पैराग्राफ ले लेते हैं, मैंने HTML में लिखा है, मैं इसका ब्रांड कर रहा हूँ, तो पैराग्राफ का मैं चाह रहा हूँ मैं इस पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करूँ थ्रू CSS, साइज चेंज करना है, कलर चेंज करना है या जो भी एडजस्टमेंट करनी है, तो CSS की क्या रिक्वायरमेंट है, एक सिलेक्टर नेम होना चाहिए और उस सिलेक्टर के ऊपर हम अप्लाई करेंगे। अब ये जो मेरा पैराग्राफ लिखा हुआ है ये किसी टैग के अंदर नहीं आ रहा, ठीक है ना, विदाउट सिलेक्टर है ना, तो हम क्या करते हैं इसको टैग के अंदर रख लेते हैं फिलहाल, पी का टैग जो है पैराग्राफ का टैग होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोड कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पे जाके बताता हूँ पी के ऊपर अप्लाई करना है उसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है, फॉन्ट एफ प्रेस करेंगे तो फॉन्ट की सारी प्रॉपर्टीज आ जाएगी, फॉन्ट फैमिली यानी कि फॉन्ट का स्टाइल क्या देना है लाइक ट्रबशर्ट, ठीक है, जाके एक प्रॉपर्टी अप्लाई करके पहले चेक कर लिया करो अप्लाई भी हो रहा है कि नहीं हो रहा ताकि कंफर्म हो जाए, रिफ्रेश करते हैं उसे फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया, ठीक है, मैंने फॉन्ट का साइज चेंज करना है, फॉन्ट साइज कलर मैरून, ठीक है, इसको जस्टिफाई करना है अलाइनमेंट इसको, ठीक है, यहाँ पे जाके हम करते हैं टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, टेक्स्ट जस्टिफाई हो गया वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ना ये टेक्स्ट पूरे पेज पे आ रहा है, मुझे बस इधर तक चाहिए था ये, ठीक है, कॉलम टाइप चीज़ बनानी है तो इसकी बता दो विड्थ, अब देखो मैं सिर्फ एंटर करता जा रहा हूँ उनकी साइजेस बताता जा रहा हूँ, 400 पिक्सल विड्थ, तो इसमें टेबल भी आप कर सकते हैं, टेबल की टेबल ख़त्म कर देंगे ना अब इसमें, अब हम इसके अंदर डिप यूज़ करेंगे, देखो मेरी मर्जी का साइज आ गया जो मुझे रिक्वायर्ड था, ठीक है ना, तो वो सारा काम हम यहाँ से हैंडल कर रहे हैं। अच्छा ये क्लियर है, मैं उसकी प्रॉपर्टीज़ जो जो मुझे रिक्वायर्ड है मैं अप्लाई करता जा रहा हूँ। yes, अब मैं नीचे जाता हूँ HTML में, मुझे एक पैराग्राफ तो नहीं चाहिए, मुझे मल्टीपल पैराग्राफ है, चार पैराग्राफ है, मैंने एक पे जो प्रॉपर्टी अप्लाई किया चारों पे वही वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी क्योंकि चारों पी के टैग है, ठीक है ना, मैंने यही इसका फ़ायदा है। अब देखो मैं इसमें जाके यहाँ पे चेंज करता हूँ कि इन टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर को बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें इनका, बैकग्राउंड कलर चारों का चेंज हो गया या जिसके ऊपर भी अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा वो जो मैं टेबल वाली प्रॉपर्टी पढ़ाने लगा था यहाँ पर पढ़ा देता हूँ, तो अब मैं चाह रहा हूँ इसका बैकग्राउंड कलर को मैंने ट्रांसपेरेंट करना है, लाइट करना है थोड़ा सा, ठीक है ना, ओपेसिटी कम करनी है, यहाँ पर आके आप बताओ बैकग्राउंड, खाली बैकग्राउंड
आर जी बी ए रेड ग्रीन ब्लू अल्फा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर बता दो लाइक जो भी कलर है, लाइक 255 कॉलम मैक्सिमम 255 होता है, 200 जो कलर आपका रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो आपने इस पे देना है 190 कॉलम 0.5, यानी कि 0.1 होगा तो ट्रांसपेरेंट ज़्यादा होगा, 0.2 होगा ट्रांसपेरेंट कम होगा, ऐसा ऐसा उसकी रेंज बढ़ती जाएगी, मैंने 0.5 किया है। अब जो भी इसके बैकग्राउंड का कलर है वो ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है, अब आपने इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा करना है, ठीक है, 0.1 किया तो देखो उसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो गई बैकग्राउंड का कलर, आप 0.7 करें तो उसकी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी, वो सॉलिड होता जाएगा। तो अगर आपने बैकग्राउंड्स को ट्रांसपेरेंट करना है तो उसके लिए ये वाली प्रॉपर्टी है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको मार्क्स लगा रहा हूँ, ठीक हो गया, ओके, इसको भी लगा देते हैं बैकग्राउंड कलर को, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास ये जो चार पैराग्राफ आ रहे हैं इनमें से मुझे, मैं लेट से एक पैराग्राफ में से पी का टैग ख़त्म कर देता हूँ, उस पे अप्लाई नहीं होगा, बाकी तीनों पे होगा, और इस पर अगर सर डिफरेंट करना हो तो, हाँ तो उसके लिए अभी फिर आगे क्लासेज आएंगी डिफरेंट करने के लिए, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे जाके अभी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एक बता लगाऊँ कि मैं यहाँ पे जाके एक हेडिंग का टैग बनाता हूँ, हेड वन अवर प्रोडक्ट्स, यहाँ पे हेड वन और सर्विसेज, ठीक है, दो हेडिंग्स ही हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना डिफरेंट, ये मेरे पास चार पैराग्राफ भी आ रहे हैं, तीन पैराग्राफ हैं, एक पैराग्राफ नहीं है और दो हेडिंग्स भी आ रही हैं, मैं इनमें डिफरेंट लोकेशंस को ना मैं इटैलिक करना चाह रहा हूँ, लाइक इसमें से कुछ टेक्स्ट जो है वो इटैलिक हो जाए, इसमें से कुछ टेक्स्ट इटैलिक हो जाए, इसमें से कुछ टेक्स्ट इटैलिक कर लूँ, ठीक है। तो इटैलिक के लिए हम वैसे तो HTML में आई का टैग यूज़ करते थे, ठीक है, यहाँ पे यूज़ करेंगे एक और टैग है, वो भी इटैलिक ही करता है, एम्फेसाइज्ड का EM, ठीक है, हाँ, प्रोडक्ट्स को मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ प्रोडक्ट्स इटैलिक हो जाए, ठीक है, तो प्रोडक्ट्स से मैंने एम्फेसाइज स्टार्ट किया, इसमें से कुछ टेक्स्ट को चाह रहा हूँ यहाँ तक मेरा कुछ टेक्स्ट है वो इटैलिक हो जाए, ठीक है, फिर तीसरे वाले में भी कुछ टेक्स्ट को मैं इटैलिक कर देता हूँ, सर्विसेज में भी जाके मैं सर्विसेज को अटैलिक कर देते हैं, समझ लगी है। अब मैंने डिफरेंट लोकेशंस पे कुछ हेडिंग वाली जगह पे भी किया है, पैराग्राफ वाले के अंदर जो टेक्स आ रहा है उनको भी अटैलिक किया है, जो पैराग्राफ का टेक्स नहीं है उसको भी अटैलिक किया है, ठीक है, अब रिफ्रेश कर रहा हूँ, सिर्फ अभी अटैलिक किया है, अरे सर काफ़ी जगहों में प्रोडक्ट इटैलिक हो गया है, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट है ये इटैलिक हो गया है, इसमें कुछ टेक्स्ट इटैलिक हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट है कि जहाँ जहाँ पर भी एम्फेसाइज टैग यूज़ हो रहा है मैं उसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करूँ, तो मैं जाऊँगा CSS में, यहाँ पर जाके हम करते हैं EM, क्योंकि EM का टैग है ना, EM पर जाके मैं कह देता हूँ इसको लाइक बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं, मतलब जो इटैलिक है जहाँ जहाँ पे इटैलिक है उनका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर डॉट कर देते, रिफ्रेश करो, जहाँ जहाँ पे इटैलिक है उसका बैकग्राउंड कलर वो ग्रीन हो गया, ठीक है, जो मुझे नज़र नहीं, जो पता भी नहीं चल रहा था कि कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन मैंने उन पर अप्लाई किया हुआ, क्लियर है, ये भी वही चीज़ है जो मैंने अभी पैराग्राफ से की है, चीज़ वही है। अच्छा, अब जो मेन चीज़ है जो हम करना चाह रहे हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि अब इनका टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा, मैं इनके जो जो इटैलिक वाले हैं ना जिनका बैकग्राउंड कलर डार्क है वो वाइट कलर का टेक्स्ट हो जाए ताकि पढ़ा जाए, ठीक है, तो वाइट कलर का टेक्स्ट करने के लिए सिर्फ यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, कलर इसका वाइट कर दूँगा, ठीक हो गया, तो मेरा सारे का टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया, सिर्फ जो इटैलिक के टैग के अंदर आ रहे हैं, क्लियर हो गया। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि मैं सबका वाइट करूँ, मैं चाहूँ जितने भी एम्फेसाइज्ड हैं उन सब का वाइट हो, लेकिन सिर्फ वो वाले एम्फेसाइज जो पैराग्राफ के अंदर आ रहे हैं, जो पैराग्राफ के अंदर नहीं आ रहे उनका ना हो,
जैसे देखो ना ये प्रोडक्ट्स पैराग्राफ के अंदर नहीं आ रहा, तो इसका टेक्स्ट का कलर वाइट नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर डार्क ही रहे लेकिन टेक्स्ट वाइट ना हो। ये पैराग्राफ के अंदर आ रहा है तो इसका होना चाहिए, ये पैराग्राफ के अंदर नहीं आ रहा, ये वाला भी पैराग्राफ के अलावा है ना पी के टैग के अलावा, तो इसका भी वाइट नहीं होना चाहिए, सिर्फ उन एम्फेसाइज का टेक्स्ट कलर वाइट हो जो पैराग्राफ का सब टैग है। बात समझ लग गई है? यानी इसको बोलते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, यानी कि पेरेंट टैग है पैराग्राफ और चाइल्ड टैग है उसके अंदर एम्फेसाइज। ठीक है, मैं वापस इसको इस पोजिशन पर ले आता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ सिर्फ पैराग्राफ का लाओ, तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन कैसे बनता है? इसको बोलते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर। आपने देखना है मेन टैग का नाम क्या है, पी, स्पेस उसके अंदर कौन सा टैग, पी के अंदर वाले जितने भी ई एम है उनका कलर टेक्स्ट का वाइट करे, बाकियों को डिस्टर्ब ना करे। अब देखना सिर्फ जो पी के अंदर वाले हैं उनका टेक्स्ट का कलर वाइट हुआ, बाकियों का उसने कलर चेंज नहीं किया। इसको बोलते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर। ये बड़ी काम की चीज़ है, आगे एग्जाम्पल भी दूंगा। ये पैराग्राफ के टैग में तो नहीं है, पी का टैग तो नहीं लगा हुआ ना इस पर, पी के टैग तो ये है रेड वाले, ये तो पी के टैग में नहीं आ रहा, ये तो सिंपल पड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये बड़ी काम की चीज़ है। अभी आगे जाके मैं जब वेबसाइट बना के दिखाऊंगा ना सीएसएस से, फिर बताऊंगा कि डिसेंडेंट सेलेक्टर कितना यूज़ होता है। आप अक्सर वेबसाइट्स में करके देखते भी हो कि हम लिंक्स लगाते हैं हाइपर लिंक्स, ऊपर मेरा टेक्स्ट जितने मेरे लिंक्स आ रहे हैं उनके ऊपर मैं रोल ओवर करता हूँ तो उसका कलर मैंने रेड कराया हुआ एग्जाम्पल, तो उस पेज में मैं कहीं पर भी लिंक लगाऊंगा वो रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वेबसाइट्स में ऐसे होता है टॉप वाले लिंक्स के ऊपर कोई और इफेक्ट आ रहा होता है, बॉटम वाले लिंक्स पे कोई और इफेक्ट आ रहा होता है। अब एक पेज पे दोनों इफेक्ट कैसे होते हैं, वो डिसेंडेंट सेलेक्टर से होते हैं। ठीक है, वो आगे जाके मैं बताऊंगा किस तरीके से। और सर जो मतलब जो एरिया आपने बेस्ट सेलेक्ट करती है उनको अगर हाइपर लिंक लगाना है, हाइपर लिंक लगाने के लिए तो आपने एचटीएमएल में जाना है ना, जिस पोर्शन पर हाइपर लिंक लगाना है, जैसे मुझे यहाँ पर लिंक चाहिए, वो लिंक लगाने के लिए हाइपर लिंक के लिए मैं इधर ही जाऊँगा एचआरईएफ, वो काम हमने एचटीएमएल में करना है। हाँ, इस हाइपरलिंक के ऊपर आपने फॉर्मेटिंग करनी है, इस हाइपरलिंक की फॉर्मेटिंग करनी है, वो हम वहाँ से करेंगे, वो भी आगे मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। सर जैसे आप बता रहे थे ना, वो एक आपने वेबसाइट बताई थी पी सी एस, तो जहाँ जहाँ आता था वो हाइपरलिंक था, अच्छा उसका कलर वो सिर्फ सेम था, मतलब जहाँ जहाँ वो आ रहा है। हाँ, वो यही चीज़ थी ना कि मैं इसको हाइपरलिंक कर देता हूँ, चलो ठीक है, और हाइपरलिंक करने के बाद इसका इफेक्ट दे देता हूँ कि रोल ओवर करूँ तो इसका कलर वाइट हो जाए। अब जब वाइट करूँगा तो नीचे भी वाइट है, मसला करेगा, लेकिन ऊपर भी हाइपरलिंक है उसका मुझे वाइट ही चाहिए क्योंकि उसका नीचे बैकग्राउंड डार्क है, तो मैं दोनों को कैसे कंट्रोल करूँ कि इसके ऊपर इफेक्ट लैदा करूँ, इस पर इफेक्ट लैदा करूँ, तो उसके लिए ये डिसेंडेंट सेलेक्टर यूज़ होते हैं फिर आगे जाके। ठीक हो गया, फिर एक आखिरी है इसके अंदर ग्रुप सेलेक्टर। लाइक मेरे पास ये एच वन का टैग है और एक हम टैग कर लेते हैं इसको एच टू का, मैं चाह रहा हूँ एच वन एच टू एच थ्री एच फोर एच फाइव एच सिक्स में से जितने भी टैग यूज हों सब पे एक ही जैसी प्रॉपर्टी अप्लाई हो, तो हम उसको ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप बनाने का तरीका क्या, एच वन कोमा एच टू कोमा एच थ्री कोमा एच सिक्स तक, ठीक है, इनको हम ग्रुप बना लेते हैं। इनमें से कोई भी टैग यूज हुआ तो उसका फॉन्ट का जो साइज़ है वो 18 और कलर उसका लाइक ब्लू करके, अब यहाँ पे ये एच वन है ये एच टू है, दोनों का हालांकि दोनों का साइज डिफरेंट होना चाहिए एच वन एच टू का, लेकिन मैंने जो अप्लाई कर दिया अब उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सी एस एस का ये भी फायदा, मैंने बैकग्राउंड पे ग्रीन कलर लगाया ना, आप इसके बैकग्राउंड पे इमेज भी लगा सकते हैं ग्रीन कलर की जगह, मेरे पास क्योंकि एरिया तो बना हुआ है ना एम्फेसाइज वाला, मैं बैकग्राउंड कलर ये देने के बजाय बैकग्राउंड इमेज लगा लेता हूँ, ये वाला लगा लेता हूँ, चलो जो भी इमेज है, अभी तो जगह ही थोड़ी है वो थोड़ा थोड़ा नज़र आएगा, लेकिन देखो उनके बैकग्राउंड पे इमेज लग गया। ठीक है ना, इसका ये बेनिफिट है कि आप बैकग्राउंड पे वो इमेज भी लगा सकते हो उसके मुताबिक वर्क कर सकते हैं। ये अक्सर जगह पे आप देखते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे इस पर टेबल यूज़ नहीं होने ना, यहाँ पे हमने क्लासेस यूज़ करनी है, तो अब आपने जैसे टेबल में तो हम किसी के बैकग्राउंड पे लगा लेते होते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है कि मुझे ना लेट से मैं एक इमेज लगा रहा हूँ एचटीएमएल में, हम सिंपल इमेज लगाते हैं ना, जब इमेज लगा लेते हैं उसके ऊपर तो कुछ नहीं लिखा जा सकता, लेकिन इमेज अगर बैकग्राउंड पे लगाया जाए तो उसके ऊपर लिखा जा सकता है। ये पूरे पेज पे भी, हाँ, ये पेज पे भी लगा सकते हो, प्रॉपर्टी एक ही है, हाँ प्रॉपर्टी एक है, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है आपने सेमी कॉलन के बाद एंटर करना है वो सारा कुछ दिखा देगा, अगर ये नहीं दिखा रहा तो इसका मतलब आप ये गलती कर रहे हो, अब नहीं दिखाएगा। अब गलती क्या की है,
मैंने स्पेस दे दी है सही। तो इस आपने बिल्कुल सेमी कॉलन के बाद ही करना है, एंटर करना, तो वो शो करवा देगा उसने। ठीक है, पहले अभी इतनी प्रैक्टिस करो ज़रा इसकी, फिर अगले लेक्चर में हम इसको आगे, अगले लेक्चर में मैं क्लासेस बताऊँगा।